देश भर के अंदर रोजगार को लेकर मारामारी मची हुई है। बावजूद इसके कई लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि रोजगार की कमी है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाते रहता है कि नौकरियों की बेहद कमी है। आज हम लोग हल्द्वानी के रोजगार मेले में खड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि रोजगार मेले में तमाम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके कुछ लोगों को, जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, यूथ जो नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। हम लोग इस समय उस पूरे पंडाल को आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर तमाम ऐसे युवा हैं जो नौकरी के लिए अपना उन्होंने आवेदन किया है। इस समय हम लोग मौजूद हैं एक्शन, जो बालाजी एक्शन का जो शूज़ का जो जिनका कारोबार है, जो बिजनेस है, उनके जो ओनर हैं एनके अग्रवाल जी, उन्होंने एक थीम दी है, ऑलवेज ऑन टाइम विद जीरो डिफेक्ट करके एक थीम प्लान की है। उसके बाद ही वो अपने जूतों को मार्केट में उतारते हैं। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। एक इनके साथ में हैं अखिल मिश्रा जी और गौरव जोशी जी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का रोज़गार वो देना चाहते हैं और क्या क्या उनके पास रिक्वायरमेंट है। सर, हमारे यहाँ ओपनिंग जो है ITI फिटर, ITI इलेक्ट्रीशियन एंड एक्सपीरियंस जो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर या BTech है, और फोरक्लिप ड्राइवर्स वगैरह, और कुछ ऑपरेटर्स भी हैं जो कुछ विद एक्सपीरियंस, तो उनके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो कुछ हमारे पास बायोडाटाज़ आए हैं, उनमें से कुछ हमने शॉर्टलिस्ट भी किए हैं, कुछ फाइनलाइज कर लेते हैं, कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो उसको शॉर्टलिस्ट करके हम अपने प्लांट में कॉल करते हैं फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज़। जनरल इंटरव्यू हम यहाँ ले लेते हैं उनका, उसके बाद आगे जो प्रोसीजर होती है आगे बढ़ते हैं उसके। गौरव मिश्रा जी भी उनसे बातचीत करते हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ और अब तक जो है क्या स्थिति रहती है, क्या क्या काम लेते हैं आप? सर, हमारे यहाँ अप्रॉक्स 1300 एम्प्लॉयज़ हैं अभी हमारे यहाँ जो हैं कंपनी पे। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स हैं, जैसे हम लोग अभी जो यहाँ हायरिंग करने के लिए हैं वो फिटर्स वगैरह होते हैं, ऑपरेटर वगैरह के लिए, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह, इंजीनियर वगैरह के लिए इस टाइप की प्रोफाइल्स वगैरह हैं जो हम ज़्यादातर हम लोग हायर करते हैं। जो रोज़गार देने में हम हमेशा ही रोज़गार मेले में जाते हैं, जॉब फेयर में जाते हैं। इससे पहले भी हम जसपुर में गए थे, उससे पहले कासपुर में गए थे, वहाँ से कैंडिडेट्स हमने हायर किए थे, देन हम अभी हम यहाँ आए हैं हल्द्वानी में। क्या नौकरी में जो है कौन कौन से जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे? वो तो एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं मिनिमम वेजेस के, हम उसको फॉलो करते हैं पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, कोई अनुभवी व्यक्ति है, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी ज़्यादा लगाई जाती है। कैंडिडेट्स फ्रेशर है तो सबके स्लैब्स वगैरह होते हैं, डिप्लोमा के अलग स्लैब्स होते हैं, BTech के अलग स्लैब्स होते हैं, ITI के अलग स्लैब्स होते हैं, डिपेंड करता है स्लैब्स प्लस कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस कितना है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, पुराना वो हमारे एक्सपीरियंस से मैच करता है नहीं करता, ये ओवरऑल चीज़ें देख के ही उसको सैलरी स्ट्रक्चर उसका डिसाइड किया जाता है। क्या क्या रहता है, जूते की खासियत क्या है आपके? हमारे यहाँ जूते तो फिलहाल जो हमारा प्लांट है वो है MDF एंड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग बोर्ड बनाते हैं, वुड इंडस्ट्री है हमारी, और अलग अलग टाइप की है फ्लोरिंग, बेसिकली हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा, हम फ्लोरिंग बनाते हैं जो फ्लोर में लगाई जाती हैं, डोर स्क्रीन है, इम्बोस्ड है, ऐसे कई टाइप के हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ सितारगंज में है, 3 प्लांट है हमारे सितारगंज में फिलहाल। सितारगंज में आपके प्लांट है, मतलब जूतों का कारोबार नहीं होता उसमें, बोर्ड का कारोबार रहता है, तो बोर्ड जो है कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसका? बोर्ड उसका ऑफिसेस वगैरह में, किचन वगैरह में, ऐसे कई तरह उसका यूज़ किया जाता है। एक्शन शूज़ का जो बिजनेस होता है उन्हीं की एक सिस्टर कंसर्न है ये क्या कंपनी? यस सर, ये सिस्टर कंसर्न है एक्शन शूज़ की, ओनर इज द सेम। तो हम लोग ये बोर्ड वगैरह यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, और बाकी CSR वगैरह में भी काफ़ी हमारे ओनर जो हैं एक्टिव रहते हैं। अभी सितारगंज जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, उसको रेनोवेट हमारे यहाँ से हमारी कंपनी करवा रही है पूरा, और बाकी आसपास के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ ड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉपी किताब का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है दिल्ली में। आज आप जॉब फेयर में कितनी नौकरियां लेकर आए हैं? आज जो हम ढूंढने के लिए हैं 60 से 65 बंदे जो हमें मिल जाएं अपनी कंपनी के लिए। बिल्कुल, ये थे एक्शन जो शूज़ का जो शोरूम है, उसके अलावा उनके कई भी और भी बिजनेसेस हैं, जैसे बोर्ड में आपने बताया कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ जिससे उनको नौकरियाँ मिल सकती हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की जो स्कीम है उसके तहत जाहिर सी बात है कि इस बार रोज़गार की कोई कमी नहीं है। हम आप लोगों को ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़गार को लेकर देते रहेंगे। आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क को।